तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं महिंद्रा स्कॉर्पियो M2DI के बारे में। ये 2002 में लॉन्च हुई थी और ये 2009 मॉडल आप देख रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये 2009 मॉडल आप देख रहे हैं और ऐसी दिखती है फ्रंट की हेडलाइट और नीचे फॉग लाइट और ये गाड़ी का साइड से व्यू। और गाड़ी में हमको मिलते हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स। और ये जो आप डोर पे देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है क्रोम। और ये गाड़ी का पीछे से लुक। और अब आपको ये मेरा छोटा भाई ये बैठ के बताएगा गाड़ी में पीछे। और यहाँ पीछे स्पीकर भी मिलते हैं दो। तो बैठने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर आगे बैठ के एक बार बता देगा। और ये है महिंद्रा का लोगो। और ये स्कॉर्पियो की बैजिंग। और ये M2DI मॉडल की बैजिंग। तो चलिए मैं आपको गाड़ी का पीछे का डोर खोल के बताता हूँ। और यहाँ हमको मिलती है मैनुअल पावर विंडो की कंट्रोल। सॉरी, ये ऑटोमेटिक पावर विंडो है। और ये है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और यहाँ कम से कम आप इसे 5 बच्चों को बैठा सकते हैं पीछे। मजा आ रहा है बैठने में? बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए अब हम गाड़ी का आगे का डोर खोल के दिखाता हूँ कि वहाँ कैसा है। और ये है गाड़ी का आगे का डोर। और ये है चारों पावर विंडो की कंट्रोल। और ये उसको ऑन ऑफ करने का बटन। और चलिए अब मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाता हूँ। और ऐसी दिखती हैं आगे की सीट्स। ये आफ्टर मार्केट लेदर सीट्स हैं। और ऐसा दिखता है स्टीयरिंग व्हील। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये एसी वेंट्स। और ये वाइपर ऑन ऑफ करने का बटन स्विच। और ये लाइट के कंट्रोल्स आगे पीछे। और ये एसी वेंट्स। और ये हजार्ड लाइट का स्विच। और ये आफ्टर मार्केट सोनी का म्यूजिक सिस्टम। और ये मैनुअल एसी विथ हीटर। और ये पीछे का फ्यूल लिट खोलने का बटन। और कुछ ऐसा दिखता है गियर लीवर। और ये आगे मिलती है हमको 2 मीडियम साइज की और 2 एक एक लीटर की बॉटल होल्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल रखी हुई है पहले से ही। और यहाँ पे आ जाएगी आधे लीटर की बॉटल, यहाँ पे 2। और ये हैंड ब्रेक के नीचे भी मिलती है स्पेस। और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस मिलती है, दोनों साइड है। और यहाँ पे भी पेन वेन रखने की, छोटी मोटी चीज़ रखने की बहुत अच्छी जगह मिलती है। और ड्राइवर साइड मिलता है केवल सनशेड। और पैसेंजर साइड मिलता है वैनिटी मिरर। और ये पीछे का रियर व्यू मिरर विथ एडजस्टेबल डे और नाइट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और खोलते हैं ग्लव बॉक्स। तो ठीक ठाक स्पेस मिलती है ग्लव बॉक्स में भी हमको। तो चलिए अब मैं आपको गाड़ी चला कर बता दूँ कि गाड़ी चलाने में कैसी है। और एक बार आपको गाड़ी को दिखा देता हूँ कि गाड़ी चल कितना चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं इसे जूम करके गाड़ी कितना चल चुकी है। चलिए अब मैं गाड़ी आपको चला कर बताता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको गाड़ी चला कर बताता हूँ कि चलाने में कैसी है इतने लाख किलोमीटर चलने के बाद। चलिए फिर मैं अपनी सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। गाड़ी को फिर चालू करते हैं। और बॉडी रोल की बात करें तो बॉडी रोल है गाड़ी में, पर स्कॉर्पियो के जो फैन है उनको इसका बॉडी रोल काफ़ी पसंद आता है। वो हमेशा से इस गाड़ी के बॉडी रोल को पॉजिटिव साइड में ही लेते हैं। और चलिए अब इसके एक बार ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। 0 to 60 कितने सेकंड में रुकती है?
ये 60 की स्पीड में आने वाली है गाड़ी और ये आ चुकी है, और अब हम ब्रेक दबा रहे हैं। काफ़ी अच्छे ब्रेक दिए हुए हैं गाड़ी में। ब्रेक में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत जरूर है महिंद्रा को अभी गाड़ी में। और गाड़ी का इनिशियल पिकअप सुपर, इसमें लो एंड टॉक भी अच्छा मिलता है ये वाले, क्योंकि मैं जो चला रहा हूँ ये 2600 cc M2DI डीजल इंजन। और टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो 5.2 मीटर की टर्निंग रेडियस मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है बड़ी गाड़ी के हिसाब से। ये देखिए मैं गाड़ी मोड़ के बता रहा हूँ एक बार, और एक बार जगह देख लो जहाँ हम गाड़ी चला रहे हैं। ट्रैफिक से बहुत दूर है ये जगह, पर यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे को वीडियो बनाना कैसे चालू किया। तो चलिए मैं आपको गाड़ी से उतर के बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे गाड़ी चलाने में। तो मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी लगी, और इंडिया में अभी 3rd generation स्कॉर्पियो भी आ चुकी है, 2200 cc डीजल इंजन के साथ आती है वो। तो आपको कैसा लगा मेरा ये रिव्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी और ऐसी वीडियो देख सकें। थैंक यू।